दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे अभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखेंगे 26 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराता हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी का नाम बताइए, जिसकी दुर्घटना में पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2023 में अलीबाबा के नए चेयरमैन और CEO कौन नियुक्त किए गए? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है जोसेफ तसाई, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023 और 24 का पुरस्कार किस कंपनी को दिया है? दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NTPC को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिंगवा यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर रहेगा AK भट्टाचार्य जी के द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। डेली करंट अफेयर की PDF लेना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिए, उसके बाद में करंट अफेयर PDF वाले सेक्शन में जाके आप PDF ले सकते हैं। दोस्तों, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, आप इस PDF को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस PDF का, उस पर क्लिक करके और 150 रुपीज़ का पेमेंट करके भी आप इस PDF को ले सकते हैं। इसे मास्टर PDF इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए चाहे SSC का कोई एग्ज़ाम है, रेलवे है, अभी बिहार पुलिस की भी वैकेंसीज आ रही हैं दोस्तों, और UP पुलिस में भी आ सकती हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हमने इस PDF में कवर किए हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट है, इस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन बनाया इन सब्जेक्ट का, आप इनको लेकर के पढ़िए, बेस्ट PDF रहेगी आपके लिए। और 70% का ऑफ चल रहा है अभी, यानी कि मात्र 150 रुपीज़ में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया है, कोई भी डाउट होता है इस नंबर पर पूछ सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विविधता महोत्सव मनाया गया है? तो 6ठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में इफको ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमेरिका के साथ, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भाई। तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं। और देखिए, अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अपने भाई या बहन या दोस्त जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये 10 मिनट की छोटी सी वीडियो होती है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, पहुँचा दिया करें, शेयर कर दिया करें उन तक भी, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, साई हॉप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के आर्टमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आर्टमिस प्रोग्राम में दोस्तों कौन सा देश शामिल हुआ है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी अपना भारत, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, राजस्थान, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत और किस देश ने जाँच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों राइट आंसर रहेगा बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा GE एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है। तो 16वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, भवानी देवी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने यूरो 2023 शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जर्मनी, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आलोक कुमार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, NTPC विद्युत व्यापार निगम ने किस IIT में अपना पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा IIT जोधपुर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी ने किस IIT को 315 करोड़ का दान दिया। तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, IIT बॉम्बे को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। किस बैंक ने महिलाओं, सेवानिवृत्त लोगों और सहकारी समितियों के
लिए 4 नए जमा विकल्प पेश किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, उसका जो आंसर रहेगा वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है आपका राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 60 में बताया गया है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर का। आई होप कि आप सब ने भी यही आंसर लगाया होगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF लेनी है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिएगा ऐप को, उसके बाद करंट अफेयर PDF वाले सेक्शन में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, जिसमें दोस्तों आपको सब कुछ मिल रहा है, आप ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम में दोस्तों PDF आपकी हेल्प करने वाली है। 150 रुपीज़ की ये PDF है और 70% ऑफ इस पर चल रहा है, तभी जाके 150 की है। अगर अदरवाइज़ आप ये सारी PDF अगर परचेज़ करोगे नॉर्मल डेज में, तो ये 500 रुपीज़ की PDF बनती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।